हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की काफ़ी फेमस एसे है जो कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, इट मीन्स वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करती है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज नोन एज फर्स्ट मेजर वर्क रिटन ऑन फेमिनिस्ट फिलोसफी। फेमिनिस्ट फिलोसफी पे लिखा हुआ पहला मेजर प्रमुख वर्क माना जाता है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को, एंड अबाउट ए वुमेन्स राइट, और जो कि लिखा गया हो, मतलब एक तो फेमिनिस्ट फिलोसफी पे बेस्ड हो और अबाउट ए वुमेन राइट, एक वुमेन के अधिकारों के बारे में लिखा गया पहला वर्क माना जाता है। इट इज रिटन बाय ए ग्रेट इंग्लिश वुमेन राइटर। इसको एक महान इंग्लिश वुमेन राइटर के द्वारा लिखा गया, जिनका नाम है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। दिस एसे वॉज फर्स्ट रिटन इन 1791। इस एसे को, लेख को पहली बार लिखा गया, निबंध को 1791 में, एंड पब्लिश्ड इन 1792, और इसको 1792 में पब्लिश करवाया गया। इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू फ्रेंच पॉलिटिशियन। ये लिखा गया मतलब एक जवाब के रूप में लिखा गया, रिस्पॉन्स इट मीन्स प्रतिक्रिया के रूप में लिखा गया, एक फ्रेंच पॉलिटिशियन, एक मतलब फ्रेंच के मतलब जो राजनीति से रिलेटेड हो, उनको जवाब दिया गया इस मतलब एशे के थ्रू। तो उनका क्या नाम था, टैलीरैंड पेरिगॉट्स, ठीक है, टैलीरैंड पेरिगॉट्स जो फ्रेंच पॉलिटिशियन थे, उन्हीं को इस एशे के थ्रू, इस लेख के थ्रू जवाब दिया गया है, ठीक है। मतलब उन्हीं के कुछ मतलब पैम्पलेट्स, इट मीन्स उनकी एक छोटी पुस्तिका होती है जिसमें किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ हो, तो ठीक है, एक छोटा सा पैम्पलेट जो मतलब वो पब्लिश किए थे ऑन द नेशनल एजुकेशन पे जो बेस्ट था, तो उसमें जो लिखे थे ना, उसी चीज़ का प्रतिक्रिया इस एशे के थ्रू, उसी चीज़ पे जवाब देती है कौन, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। किनको जवाब देती है, देती है टैलीरैंड पेरिगॉट्स को, ठीक है। अब आगे है, वुलस्टोनक्राफ्ट डिसमिस द कल्टिवेशन ऑफ ट्रेडिशनल फीमेल वर्च्यूज ऑफ सबमिशन एंड सर्विस। तो ये जो एक ट्रेडिशनल मतलब चला आ रहा है ना वुमेन का, कि मतलब वुमेन को क्या होना चाहिए, फीमेल वर्च्यूज, एक तरह से मतलब समर्पण का गुण होना चाहिए, एक सेवा होना चाहिए, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं में ट्रेडिशनल वे से चला आ रहा है, मतलब सेवा का भाव और फिर वो समर्पण का गुण, तो उस चीज़ को क्या करती है, उस ट्रेडिशनल वैल्यू को जो चला आ रहा है, रिजेक्ट करती है, डिसमिस्ड करती है, एंड आर्ग्यू, और मतलब तर्क देती है, इस चीज़ पे जोर देती है, दैट वुमेन कुड नॉट बी गुड मदर, कि वुमेन एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, गुड वाइफ्स, एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, एंड गुड हाउस होल्ड मैनेजर, और ना ही अच्छे से घर संभाल सकती है, इफ़ दे वी आर नॉट वेल एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड मतलब अच्छी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो ना ही वो एक अच्छी वाइफ बन सकती है, ना ही वो अच्छी मदर बन सकती है, ना ही घर को अच्छे से संभाल सकती है, अगर कोई वुमेन पढ़ी लिखी नहीं हो तो। दिस एसे वॉज मेनली अबाउट फीमेल इक्वालिटी। ये जो एशे है हम लोग का, वो मेनली फीमेल इक्वालिटी पे बेस्ड है, मतलब महिलाओं की बराबरी के बारे में बात किया गया, पार्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, और मेनली एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी, इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए, इस चीज़ पर डिस्कस करता है। द ऑथर ऑफ दिस एसे, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो है, वॉज एन इंग्लिश राइटर। अब हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो वो कौन है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है जो कि इंग्लिश ऑथर है, फिलोसोफर है, एडवोकेट ऑफ वुमेन राइट्स, और वुमेन राइट्स की मतलब महिलाओं के अधिकार की वकालत भी करती है। ड्यूरिंग हर ब्रीफ करियर, अपने छोटे से करियर में, शी रोट नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिखी, ट्रेसस क्या होता है ना, एक निबंध टाइप का जो बुक होता है वो लिखी, ए ट्रेवल नरेटिव यानी यात्रा वृत्तांत होता है ना, कि किसी यात्रा के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि वो लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी डिस्कस की, फ्रांस की क्रांति को, एक कंडक्ट बुक इट मीन्स जो मतलब हम लोग को मतलब क्या करे ना, गाइड करे, वैसा बुक लिखी, एंड ए चिल्ड्रेंस बुक, और बच्चों के लिए भी बुक लिखी। सी मैरिड टू द फिलोसोफर विलियम गॉडविन, मतलब उनकी जो शादी होती है विलियम गॉडविन एक फिलोसोफर से होती है, वन ऑफ द फोर फादर ऑफ द अनार्किस्ट मूवमेंट, जो कि अनार्किस्ट मूवमेंट के फोर फादर यानी प्रमुख एक मतलब पूर्वज के रूप में, या जो उसको कंटिन्यू रखे उसके लिए जाना जाते हैं अनार्किस्ट मूवमेंट के लिए। वुलस्टोनक्राफ्ट डाइड एट द एज ऑफ 38 के एज में उनकी मृत्यु हो जाती है, लिविंग बिहाइंड सेवरल अनफिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ढेर सारा मैन्यूस्क्रिप्ट इट मीन्स ढेर सारा वो लेख लिखना शुरू की थी, बट उसको अनफिनिश्ड यानी अधूरा छोड़, मतलब पूरा नहीं कर पाई, वो अधूरा ही था, तभी उनकी मृत्यु हो गई। शी डाइड 11 डेज आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर सेकेंड डॉटर, अपनी दूसरी डॉटर को जन्म देने के 11 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम है मैरी शैली। मैरी शैली को जन्म देने के 11 दिन बाद वुलस्टोनक्राफ्ट की मृत्यु हो गई। Who would become an
अकम्प्लिश्ड राइटर एंड द ऑथर ऑफ, जो कि एक बहुत मतलब कुशल राइटर बनी और ऑथर ऑफ, किसकी ऑथर थी, फ्रैंकस्टाइन नाम की एक बुक है जिसके कि वो ऑथर है, कौन, वुलस्टन क्राफ्ट की जो बेटी है, सेकेंड डॉटर है मैरी शेली। अब आगे है, वुलस्टन क्राफ्ट मेनली डिस्कसेस अबाउट दिस थ्री थिंग्स इन दिस एशे, इस एशे में मेनली तीन चीज के बारे में बात करती है, वो है वुमेन डिजर्व टू बी हैविंग इक्वल वैल्यूज एज मैन, कि वुमेन डिजर्व करती है कि उनको मैन के मतलब इक्वल बराबर में वैल्यू मिले। वी शुड गिव यंग गर्ल्स द सेम चांस एट एजुकेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटी एज बॉयज़, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को भी एजुकेशन हो या फिर कोई अदर चीज़ हो, मतलब गर्ल्स को सेम अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बॉयज़ के जैसे ही, ठीक है, जितनी बार बॉयज़ को मतलब मौका दिया जाए कुछ भी अच्छा करने के लिए, सेम वो गर्ल्स के साथ भी करना चाहिए। आगे है, इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट्स वुड हेल्प मैन, मतलब अगर हम लोग वुमेन के राइट को इम्प्रूव करते हैं, उनके अधिकारों को बढ़ाते हैं, तो इससे मैन एंड वुमेन हैव हेल्दियर रिलेशनशिप, इससे क्या होगा कि मैन और वुमेन जो होंगे दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा होगा एंड मेक सोसाइटी एज ए होल बेटर, और दोनों मिल के एक अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एजुकेटेड होंगे, दोनों के पास खुद की सोचने समझने की शक्ति होगी, तो दोनों अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो या फिर फैमिली को चलाना हो, तो ये इन तीन चीज़ों पर मेनली जोर देती है। अब आगे है, इफ इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर, ठीक है, याद रखिएगा इसको 13 चैप्टर में बांटा गया है, इन विच वुलस्टन क्राफ्ट एड्रेस्ड टॉपिक, जिसमें कि वुलस्टन क्राफ्ट मतलब इन टॉपिक की व्याख्या करती है, सच है, जैसे कि कौन कौन सा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग वुमेन, वुमेन को एजुकेट करने की मतलब शिक्षा देने की, वुमेन इक्वली बराबरी मतलब एज ए मैन, मैन के इक्वल शिक्षा देने की बात करती है, ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी, वुमेन को मतलब एक मर्यादा में रहकर अच्छे से उसके साथ ट्रीट करना, एंड प्रोवाइडिंग वुमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी गुड वाइब्स, और वुमेन को मतलब प्रोवाइड करना एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी वाइफ बनने के लिए, मदर बनने के लिए, एंड एन इंटेलिजेंट कंपेनियन, और साथ ही साथ एक मतलब एक बुद्धिजीवी, इट मीन्स जिसके पास इंटेलिजेंस, खुद का इंटेलिजेंस, बुद्धि हो, दिमाग हो, कंपेनियन एक यानी इट मीन्स साथी बनने के लिए फॉर देयर हस्बैंड, ठीक है, सिर्फ माँ और वो ना रहे, माँ और एक वाइफ के रूप में नहीं, बट वो अपने हस्बैंड के लिए साथी भी हो, इट मीन्स कभी अगर हस्बैंड को जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर पाए। यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर फाइनेंशियल अगर बात आती है, पैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी फैमिली में फाइनेंशियल कोई भी पैसा वाला बात होता है तो मेनली मेल पे डिपेंड होता है, मतलब 80% 70% तो यही होता है, तो अगर मतलब अगर वुमेन एजुकेटेड होगी, उसके अंदर क्या इंटेलिजेंस होगा, तो वो क्या होगा, अगर मतलब कोई भी हस्बैंड हो, फादर हो, अगर वो थोड़े से वीक पड़ते हैं फाइनेंशियल, तो क्या करेगी, वुमेन एज ए कंपेनियन, एक साथी के रूप में उसका सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। फिर आगे हम दैट वो क्लेम करती है कि वुमेन वी आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन मेंटेनिंग देयर डेलिकेट अपीयरेंस, मतलब वो बोलती है कि वुमेन से ये चीज़ ही एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब यही चीज़ स्वीकार किया जाता है कि वो वुमेन क्या करेगी, मतलब अपने बहुत ज़्यादा टाइम देगी किस चीज़ को, अपनी बाहरी सुंदरता को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको सजाने संवारने में, ये सोसाइटी वुमेन से ऐसा एक्सेप्ट करती है, एंड जेंटल डेमोर सेक्रीफाइसिंग इंटेलिजेंस फॉर ब्यूटी, ठीक है, कि और क्या मतलब जेंटल एक मतलब अच्छा व्यवहार रखेगी, सेक्रीफाइसिंग इंटेलिजेंस, और अपने इंटेलिजेंस को मतलब जो भी उसके अंदर बुद्धि है उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर देगी, त्याग देगी अपने ब्यूटी के लिए, ठीक है, एंड बिकमिंग फ्लावर लाइक प्लेथिंग्स, और एक फ्लावर के जैसे प्लेथिंग्स बन जाएगी, मतलब खेलने का वस्तु बन जाएगी फॉर मैन, मैन के लिए, ठीक है, इट मीन्स वो अपने इंटेलिजेंस पे ना ध्यान देकर अपने मतलब आउटी अपीयरेंस पे ध्यान देगी कि बाहर से वो कैसी है, सुंदर दिखना, ये वो इस चीज़ पे ध्यान देगी ताकि वो मैन मेल के लिए एक फ्लावर के जैसे प्लेथिंग्स बन सके, खेलने के लिए चीज बन सके। इंस्टीड ऑफ व्यूइंग वुमेन एज ए ऑर्नामेंट, एक ऑर्नामेंट यानी एक खिलौना के तरह वुमेन को समझने के बजाय, टू सोसाइटी के लिए, और प्रॉपरली टू बी ट्रेडेड इन मैरिज, और सिर्फ मैरिज के लिए वुमेन को तैयार करना, इट मीन शादी के लिए सिर्फ लड़की को तैयार करना, उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको मतलब एक कह लीजिए मतलब ट्रेनिंग देना, वुलस्टन क्राफ्ट मेंटेन्स दैट दे आर ह्यूमन बींग्स, तो ये सब मतलब वुमेन्स इस चीज़ के अगेंस्ट है, मतलब बोलते हैं कि यही सब एक्सेप्ट भी किया जाता है एक औरत से, और क्या होता है, वुलस्टन क्राफ्ट मेंटेन्स दैट, मतलब फिर आगे कहती है दैट दे आर ह्यूमन बींग्स, कि वो क्या है, मनुष्य है, डिजर्विंग ऑफ द सेम फंडामेंटल राइट्स, और सेम फंडामेंटल आधारभूत राइट्स अधिकार उनको भी चाहिए होता है एज मैन, मैन के तरह ही। वुलस्टन क्राफ्ट सेड अबाउट वुमेन राइट्स, वुलस्टन क्राफ्ट वुमेन के अधिकारों के बारे में बात करती है, आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स, यहाँ मतलब एक कोट्स लिया गया है, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, इसका अर्थ कि वो बोल रही है
इट नॉट मीन्स कि वुमेन को पावर चाहिए तो मतलब मैन से ज्यादा पावर चाहिए, बट उसको खुद का पावर चाहिए जो कि मैन के इक्वली उसको रखे. इट मीन्स इट नॉट मीन्स कि वो मैन से आगे बढ़ना चाहती है या मैन से आगे बढ़ा दिया जाए, बट उसको इक्वली मतलब पावर मिले. इवन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बाइबल, अगर हम लोग बाइबल के स्टार्टिंग की बात करें, विथ एडम एंड ईव, एडम और ईव की जो कहानी थी, वी गेट एन आइडिया. तो वहीं से हम लोग को एक आइडिया आ जाता है दैट वुमेन एग्जिस्ट फॉर मैन एंटरटेनमेंट, कि वहां भी दिखाया जाता है कि वुमेन सिर्फ मैन के एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब आदमी को खुश करने के लिए. एंड फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ज्यादातर जब हम ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास देखते हैं, दे हैव एग्जिस्टेड एज द सेकेंड सेक्स, उनको हमेशा सेकेंड सेक्स माना गया है. हम इस पर मतलब डिस्कस भी किए, सेकेंड सेक्स इट मीन्स मतलब फर्स्ट सेक्स किसको माना जाता है, मेल को माना जाता है, और फीमेल को सेकेंड सेक्स माना गया है अगर हम इतिहास की बात भी करें तो, हिस्ट्री की बात करें. वुलस्टन क्राफ्ट कहती है दैट इन ऑर्डर टू हैव ए फेयर सोसाइटी, एक अच्छे समाज के लिए, दिस नोशन नीड्स टू चेंज. तो हमको, हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये विचारधारा बदलनी पड़ेगी. गर्ल्स शुड बी अलाउड टू गो ए पब्लिक स्कूल, गर्ल्स को भी अलाउ होना चाहिए कि एक पब्लिक स्कूल में जा सके. ये बहुत पहले की बात करती है, ठीक है. द बॉयज एंड पार्टिकुलर विद द बॉयज, मतलब बॉयज के साथ ही जैसे बॉयज जाते हैं वैसे गर्ल्स को भी अलाउ करना चाहिए कि वो पब्लिक स्कूल में जा सके. एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द सेम सब्जेक्ट, और सारे सेम सब्जेक्ट सेम विषय में पार्टिसिपेट कर सके जैसे बॉयज करते हैं. नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, बट गर्ल्स शुड स्टॉप बींग डिस्करेज फ्रॉम एक्सरसाइज और फिजिकल स्ट्रेंथ, और गर्ल्स को जो मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर एक्सरसाइज के लिए जो रोका जाता था वो चीज़ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा विल्सटन क्राफ्ट कहती हैं. उस टाइम के हिसाब से वो बात कर रही हैं, ठीक है. गर्ल्स आर टोल्ड टू प्ले विद डॉल्स, गर्ल्स को बोला जाता है कि तुम डॉल्स के साथ खेलो इनडोर्स अपने घर में, वाइल बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटसाइड, वहीं लड़कों को क्या बोला जाता है, बाहर जाके खेलने के लिए. हेल्पिंग दैम बिल्ड फिजिक फ्रॉम ए यंग एज, इसी वजह से क्या होता है, बहुत यंग एज से ही, नॉर्मल एज से ही वो लोग शक्तिशाली होते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, फिजिकल शारीरिक शक्ति बॉयज के पास ज़्यादा होती है. सी सेज दिस डिवीजन ओनली सर्व्स टू इंक्रीज द फिजिकल एडवांटेज दैट बॉय ऑलरेडी हैव ओवर गर्ल्स. वो कहती है कि ये जो डिफरेंस किया जाता है ना, अंतर, ये सिर्फ ये मतलब फिजिकल एडवांटेज बॉयज़ के लिए, मतलब शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब उसके पास एडवांटेज हो, इस चीज़ का फ़ायदा ले सके, इस वजह से बॉयज़ को ऐसा किया जाता है, जो कि बॉयज़ के पास ऑलरेडी मतलब पावर है ही ज़्यादा गर्ल्स से, बट फिर भी बॉयज़ को और ज़्यादा पावर दिया जाता है, फिजिकल एडवांटेज शारीरिक रूप से उसको और ज़्यादा मतलब मजबूत बनाया जाता है. द डिफरेंस वुड बी मच लेस मार्क्ड, मतलब इस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा कम, थोड़ा कम किया जाता है, इफ दे कुड ऑल्सो प्ले इन फिजिकल वेज, अगर गर्ल्स भी क्या करती है फिजिकल वेज से खेलती है, इट मीन्स क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल खेलती है, जैसे बॉयज खेलते हैं बाहर जाके वैसे खेले, तो मतलब इस डिफरेंस को कम किया जा सकता है, ठीक है. अब आगे है, ए सोसाइटी दैट एग्जैग्रेट्स द स्ट्रेंथ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, एक सोसाइटी जो कि मतलब क्या करती है, एक मानव और मतलब किसी लड़की और लड़का में जो डिफरेंस दिखाती है, डज दिस टू इंश्योर गर्ल्स आर डिपेंडेंट टू ऑन बॉयज, मतलब जो मतलब दोनों के क्या करती है, स्ट्रेंथ में कंपेयर करती है, डिफरेंस अंतर दिखाती है और बताती है कि जो है मैन ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है, मजबूत है, मैन के पास ज़्यादा ताकत है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मैन जो गर्ल्स है ना, क्योंकि क्या है, वो डिपेंड है बॉय पे. द एम्फेसिस ऑन लिटिल गर्ल्स ड्रेसिंग अप एज डॉल्स, मतलब लिटिल गर्ल्स को क्या बोला जाता है कि डॉल्स की तरह मतलब तैयार किया जाता है, एक गुड़िया की तरह, टू लुक प्रिटी, प्रिटी दिखने के लिए इन द प्ले सीम्स टू फर्दर द आइडिया, और इस चीज़ से क्या होता है ना कि ये चीज़ हम लोग को एक मतलब एक प्रयास दिखाता है, एक आइडिया विचारता है दैट कि लुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट परस्यूट फॉर ए वुमेन, कि वुमेन को एक मतलब दिखाया जाता है कि डॉल की तरह तैयार किया गया, तो ये चीज़ यहाँ पे ये दिखाते हैं, पोएट बोल के दिखाती है कि वुमेन से मतलब एक्सेप्ट किया जाता है कि शुरू से ही कि वो मतलब क्या होगी कि वुमेन के लिए सुंदरता इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वुमेन के सुंदरता को दिया जाता है. फिर आगे है, द होल पॉइंट ऑफ वुलस्टन क्राफ्ट प्ली फॉर वुमेन्स राइट, अब ये पूरे मतलब पॉइंट सारा बिंदु जो है वुमेन के अधिकार के बारे में बात करते हैं, इज नॉट ए कॉल फॉर वुमेन टू ओवर पावर दैम, बल्कि मतलब वुमेन को राइट चाहिए, इट नॉट मीन्स कि उनको मैन पे राज करना या मैन से ज़्यादा पावर चाहिए, रेदर देन इसके बजाय क्या चाहिए, इससे टीचेस दैट उनको सिखाना चाहिए, वैन सोसाइटी गिव्स वुमेन मोर राइट, अगर सोसाइटी क्या होता है, समाज जो है वुमेन को ज़्यादा अधिकार देती है, इट इज़ फेयरर, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, मतलब फेयर होगा उसके साथ भी. एंड वुमेन कैन इक्वल कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड अलोंगसाइड मैन, तो वुमेन भी मैन के
साथ है ना, एकदम मतलब एकदम कंधे से कंधा मिलाकर इस वर्ल्ड में अपना योगदान दे पाएंगी, मतलब कोई भी काम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। अब आगे वुल्स्टनक्राफ्ट बिलीव्स दैट, वुल्स्टनक्राफ्ट मानती है दैट वुमेन आर टाउट, वुमेन को सिखाया जाता है दैट रोमांस इज द प्राइमरी गोल ऑफ देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ का जो प्राइमरी गोल है, मेन काम जो है रोमांस है, एंड दे आर नॉट इनकरेज टू डेवलप देयर रीजन एंड वर्च्यू, और उनको अपना रीजन इट मीन्स बुद्धि, मतलब बुद्धि या फिर बोला जाए विवेक तर्क, ये सब मतलब डेवलप करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता, एंड वर्च्यू इट मीन्स गुण को डेवलप करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता। सी बेसिस है आर्ग्यूमेंट ऑन द बिलीफ, वो इस बिलीफ पे अपना आर्ग्यूमेंट बेस करती है दैट रीजन इज वॉट, कि रीजन जो होता है ना, इट मीन्स विवेक जो होता है, बुद्धि जो होता है इज वॉट मेक्स पीपुल ह्यूमन, जो कि इंसान को क्या बनाता है, ह्यूमन, मनुष्य बनाता है। दैट वर्च्यू इज, और जो वर्च्यू होता है, गुण होता है इंसान का, इज वॉट डिस्टिंग्विशेस पीपल फ्रॉम वन अदर, और ये इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग करता है। इसलिए रीजन और वर्च्यू जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इट मीन्स बुद्धि, एक अच्छा गुण हो, बुद्धि हो, विवेक हो, तर्क करने की शक्ति हो वुमेन के पास भी, ठीक है। एंड रीजन एंड वर्च्यू इज अटेंड थ्रू नॉलेज, और रीजन जो और वर्च्यू जो है ना, सिर्फ ये नॉलेज के थ्रू ही आ सकता है। सी शेड वो कहती है इट इज वेन टू एक्सेप्ट वर्च्यू फ्रॉम वुमेन, वुमेन से वर्च्यू एक्सेप्ट करना तब तक व्यर्थ है टिल दे आर इन सम डिग्री इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, जब तक वो मैन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट, इट मीन स्वतंत्र नहीं हो जाती है। वुल्स्टनक्राफ्ट आर्ग्यू दैट, अब आगे फिर से वो वुल्स्टनक्राफ्ट आर्ग्यू करती है, तर्क देती है दैट कि वुमेन आर ओनली एक्सेप्टेड टू अपीयर मॉडेस्ट एंड चिस्ट, इट मीन्स उनसे वुमेन से एक्सेप्ट किया जाता है लज्जा, विनय या फिर एक अच्छा व्यवहार, एंड चिस्ट इट मीन्स शुद्धता, पवित्रता, ये एक्सेप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर गुड रेप्यूटेशन, ताकि उनका अच्छा रेप्यूटेशन बना रहे इस वजह से। एंड दैट ट्रू मॉडेस्टी कैन ओनली, और जो सही मायने में जो विनय होता है, पेशेंस होता है, वो कब आता है, ओनली बी अटेंड बाय एक्वायरिंग ऑन इंटेलिजेंट माइंड, ठीक है, जो सही मायने में, लेकिन जो मॉडेस्ट होता है, इट मीन्स बुद्धि हो, सही विचार हो, वो कब आता है, जब हम लोग के पास इंटेलिजेंट माइंड हो, ठीक है, तभी आ सकता है। अब आगे दस इस प्रकार थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए वुल्स्टनक्राफ्ट कॉल्स फॉर ए रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक रिवॉल्यूशन चाहती है, इट मीन्स क्रांति चाहती है, रिट्रेटिंग दैट दे आर सबऑर्डिनेटिंग स्टेटस इज ड्यू टू मेन्स प्रेजुडाइज, और कहती हैं कि उनका जो मतलब ये जो समाज में जो स्थिति है ना, वो क्यों है, मतलब पुरुषों के पूर्वाग्रह के कारण है, इट मीन्स एक जो पहले से मानसिकता बनी हुई है उस वजह से है, एंड नोट टू एनी इनहेरेंट वीकनेस, ऐसा नहीं है कि उस कुछ मतलब इनहेरेंट इट मीन्स मतलब उसके अंदर कोई कमजोरी है, एक मतलब वंशानुगत कोई कमजोरी है, इट नॉट मीन्स, ये मतलब एक बना हुआ है मैन इस सोसाइटी में कि एक इंसान मतलब होता है ना कि पहले से थॉट चला आ रहा है, तो वही चीज कंटिन्यू किया जा रहा है। आगे दिस विल बी प्रूवन, और ये तब प्रूव किया जा सकता है, होगा वंस वुमेन आर फ्री टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, जब वुमेन को फ्री कर दिया जाए कि वो अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकती है, एंड अफेक्शन, और अपने अफेक्शन का मतलब विकास कर सकती है। एज वुमेन आर रिलीज फ्रॉम दे विल इंजॉय ग्रेटर इंडिपेंडेंस, जैसे वुमेन को रिलीज किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा अपना इंडिपेंडेंस इंजॉय करेगी, एंड सोसाइटी ई एज ए होल विल ओनली बेनिफिट्स, और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं बल्कि पूरे मतलब पूरे समाज को मतलब सबको इससे फायदा होगा, ठीक है, जब भी वुमेन इंडिपेंडेंट होती है। अल्दाओ, हालांकि ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ब्रिंग्स अप सम इम्पॉर्टेंट इक्वालिटी इश्यूज, मतलब मेनली इक्वालिटी इश्यू यानी बराबरी के मुद्दे पे बात करता है। हाउएवर, हालांकि वी ऑल्सो सी दैट, हम लोग देखते हैं दैट इन द टाइम सिंस दिस बुक्स पब्लिशिंग, कि जब से इस बुक को पब्लिश किया गया है, वी हैव मेड ग्रेट एडवांसेज इन दिस रिल्म, हम लोग इस क्षेत्र में ढेर सारा एडवांसेज इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वी आर स्टिल नॉट डन मेकिंग द इम्प्रूवमेंट, मतलब फिर भी क्या हुआ है कि वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं करवाए, वी आउट टू डाउट, जो कि हम लोग को करना चाहिए वैसा, हम हालांकि वैसा नहीं कर पाए हैं। सो दिस प्रिंसिपल्स आर वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ अस, इसलिए ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, नियम्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, हम लोग के लिए सारे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में भी बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।